जी मैं मगध की राजकुमारी नंदिनी का कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो इसीलिए जो कॉस्ट्यूम जो है उस समय के हिसाब से है और काफ़ी बोल्ड है, बिकॉज नंदिनी सुंदर लड़की है लेकिन उसे स्वॉर्ड फाइटिंग भी आता है और वो वॉरियर प्रिंसेस है, तो इट्स वेरी बोल्ड, इट्स वेरी यू नो उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. मुझे श्वेता से नंदिनी बनने में कुछ दो से ढाई घंटे लगते हैं डेली, तो उसके बाद लेकिन सेटिस्फैक्शन ये होता है कि जब मैं इस कॉस्ट्यूम में, इस सेटअप में आ जाती हूँ तो लोग पहचान नहीं पाते, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट एज एन एक्टर कि लोग आपको भूल कर सिर्फ आपके किरदार को देखें. तो जब ये बन जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जब नंदिनी बन जाती है तो बहुत अच्छी लगता है. नहीं, बहुत ज़्यादा वज़न तो नहीं है. शुरू शुरू में थोड़ा लगता था कि सर घूम रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ. बट आई थिंक जी हाँ, ये मेरा पहला कॉस्ट्यूम ड्रामा है, पहला हिस्टोरिकल शो कर रही हूँ मैं. बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक हर लड़की, हर एक्ट्रेस कभी ना कभी एक वॉरियर प्रिंसेस ज़रूर बनना चाहती है, ये सारा सेटअप ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहती है. और मेरे लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ना सिर्फ ये लुक बल्कि कैरेक्टर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बोल्ड है. यू नो, नंदिनी एक ऐसी लड़की है जो ना शायद दूसरे ज़माने में, दूसरे टाइम में वो चंद्रगुप्त की बीवी बन के पैदा हुई थी, लेकिन वो हर टाइम के साथ, वो हर लड़की के साथ रिलेट कर सकती, हर लड़की नंदिनी के साथ रिलेट कर सकती है, तो मुझे वो बात बहुत ही यूनिक लगती है. जी, मैं जो ऑडियंस है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि इकबाल के बाद मैंने ब्रेक लिया था, स्टडी ब्रेक लिया था. पेरेंट्स ने प्रायोरिटाइज़ किया पढ़ाई और ग्रेजुएशन, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस किया, एक्ट किया और जॉब भी किया फैंटम फिल्म्स में. और ये बिहाइंड द कैमरा ही एक्सपीरियंस के बाद अब मैं वापसी कर रही हूँ एक्टिंग के फील्ड में, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. और आई होप कि जो जिन लोगों ने पहले ही मेरा काम देखा है, जो लोग रजत के भी जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, वो हमें इनकरेज करें, हमें बेस्ट विशेज़ दें और हमारे शो को देखें.